रणबीर कपूर ने अपने कैसोनोवा और चीटर वाले इमेज पर फाइनली तोड़ी अपनी चुप्पी। आलिया के साथ शादी के बाद एक्टर ने दिया शॉकिंग बयान। वेल, क्या कहा उन्होंने, जानने के लिए देखें फर्स्ट इंडिया फिल्मी की ये रिपोर्ट। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में रहेगा एक सवाल, जिसका जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक गिफ्ट हैम्पर। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं हमारी खबर की तरफ। वेल, बॉलीवुड के हैंडसम हंक रणबीर कपूर आज भले ही आलिया भट्ट के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब रणबीर की कैसोनोवा वाली इमेज थी। खास तौर पर जब कॉफी विद करण में सोनम कपूर और दीपिका पादुकोण ने रणबीर की इमेज पर तंज कसा था। इस शो के बाद से रणबीर की कैसोनोवा और चीटर की इमेज बनी। रणबीर ने अब उन्हें चीटर कहे जाने पर फाइनली रिएक्ट किया है और अपनी चुप्पी तोड़ी है। दरअसल बॉलीवुड बबल से बातचीत में रणबीर कपूर ने सालों बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि उनकी कहानी सुनने की किसी ने परवाह नहीं की। रणबीर ने कहा कि ठीक है, मुझे हल्के में लो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी जिंदगी को प्यार करता हूँ, अपने काम से प्यार करता हूँ, अपने परिवार से प्यार करता हूँ। मेरे पास जिंदगी में जो कुछ भी है, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। रणबीर ने आगे कहा कि मैं एक्टर हूँ, लोग मेरे बारे में कुछ भी कह सकते हैं, वे अच्छा बोल सकते हैं, वे बुरा बोल सकते हैं, लेकिन मुझे जिस चीज़ से फर्क पड़ता है वो ये कि उन्हें मेरी फिल्में पसंद आ रही है या नहीं। इसलिए मेरा फोकस, मेरा काम, मेरी एनर्जी सिर्फ अच्छी फिल्म बनाने पर है। मुझे फर्क नहीं पड़ता है अगर कोई मेरे बारे में बकवास करता है, अगर कोई मेरे बारे में बुरा बोलता है। ये बातें सुनकर मेरा खून नहीं खौलता। एक्टर ने आगे कहा कि अगर नेगेटिविटी मुझ तक पहुंचती है तो मैं उसे बहुत हल्के में लेता हूं। मेरे बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। मैं कैसोनोवा और चीटर का पोस्टर बॉय बन गया। लोगों ने किसी और का नज़रिया, किसी और के विचार सुने, उन्होंने मेरा पहलू नहीं सुना। मुझे नहीं लगता कि वो कभी मेरा साइड सुनेंगे भी। कोई बात नहीं, मैं यहाँ एक्टर बनने आया हूँ, बस यही मैं चाहता हूँ। इस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं हमारा आज का सवाल। तो हमारा सवाल है कि रणबीर कपूर ने बॉलीवुड में किस फिल्म से डेब्यू किया था। आप इस सवाल का जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दें और जीते एक गिफ्ट हैम्पर। अब बढ़ते हैं हमारी खबर की तरफ। गौर करने वाली बात है कि इससे पहले भी फिल्म शमशेरा के ट्रेलर लॉन्च के दौरान रणबीर कपूर ने अपने कैरेक्टर पर और साथ ही साथ आलिया के साथ शादी पर शॉकिंग बयान दिया था। क्या कहा था उन्होंने, आप भी सुने। दोनों मान लीजिए, ये एक्चुअली मेरे हाथ में था नहीं। ये फिल्में जैसे आप देख रहे हैं, यू नो, बिग बजट VFX हैवी फिल्में हैं, सो दे हैव टेकन इट्स टाइम। कोविड भी आ गया था, तो आई डोंट नो इफ इट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग और अ फॉर्चुनेट थिंग कि मेरी दोनों फिल्म आई थिंक 45 डे के स्पैन में आ रही। बट आई थिंक फिल्में को लेकर अलग मेरे लिए बहुत बड़ा साल रहा है। मेरी शादी हुई है इस साल, वो बहुत ही एक खूबसूरत चीज़ रही है मेरे लाइफ में। मैं ही कहता था कि फिल्मों में कि शादी इस दाल चावल फॉर 50 साल टिल्यूड है, लाइफ में थोड़ा बहुत टंगड़ी कबाब, कीमा पाव, हका नूडल होना चाहिए। बट बॉस, जिंदगी के तजुर्बे के बाद दाल चावल ही बेस्ट है और कुछ नहीं है। मेरे लाइफ में जो आलिया है मेरी लाइफ में, वो दाल चावल में तड़का है, अचार है, कांदा है, प्याज है, सब कुछ है। सो आई कुडन्ट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर पार्टनर। आलिया, आई सी द टीजर, शी इज इन लंदन राइट नाउ, सो शी इज स्लीपिंग, सो आई जस्ट वांट शी वेक्स अप, शी विल सी द ट्रेलर। वहीं रणबीर कपूर की लव लाइफ की बात करें तो उन्होंने दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ को डेट किया है। दोनों ही काफी सीरियस रिलेशनशिप में थे, हालांकि ये रिलेशनशिप ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। इसके बाद रणबीर को सच्चा प्यार आलिया भट्ट से हुआ। प्यार भी ऐसा कि दोनों जन्मों जन्मांतर के साथी बन गए। दोनों स्टार्स ने कई सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद फाइनली 14 अप्रैल को शादी कर ली और अब आलिया प्रेग्नेंट भी हैं और जल्द ही दोनों स्टार्स माँ बाप बनने वाले हैं। यानी कि बहुत ही जल्द भट्ट और कपूर खानदान में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। इसके अलावा फिल्म ब्रह्मास्त्र में
रणबीर पहली बार आलिया भट्ट के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। अब ऐसे में जिस तरह से रणबीर कपूर ने अपने कैसोनोवा और चीटर वाले इमेज पर यह बयान दिया है, उस पर आपकी क्या राय है, हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़े हर एक लेटेस्ट खबरों से अपडेटेड रहने के लिए फर्स्ट इंडिया फिल्मी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।